अब मैं एक अमली सवाल कह रहा था कि इसमें एक बड़ा अमली सवाल है, मैं क्या करूं, मैं कैसे माहौल में रह रहा हूं जिसमें अल्लाह का दीन गालिब नहीं है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, मैं शराब नहीं पीता, मैं सूअर नहीं खाता, चलो मैंने अपना अकाउंट जो है बैंक में जो है करंट अकाउंट रखा हुआ है, मैंने कोई सूद नहीं लिया, मैं सूद लेना चाहता हूं, क्या करूं, अकेला चना पहाड़ को तो नहीं फोड़ सकता, पूरा निजाम तो मेरे बदलने से नहीं बदल जाएगा, तो मैं तो रहा फिर 40%, 50%, 60%, 70% काफिर का काफिर। तो वस्ती वे आउट, वस्ती मखरज, बड़ी प्यारी हदीस है वो जिसमें ये अल्फाज आते हैं, हुजूर ने फरमाया इन्नहा सतकून फितनतुन, एक वक्त आएगा तो बड़ा फितना होगा। हजरत अली फरमाते मैंने फौरन अर्ज किया मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा। ये नहीं पूछा क्या फितना होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, किधर से आएगा, कुछ नहीं, निकलने का रास्ता बताइए। बल्कि एक और रिवायत इस हदीस की इससे भी ज्यादा प्यारी है कि असल में हजरत जिब्राइल ने कहा हुजूर से, या मोहम्मद उम्मत अकबादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी सोचा है तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत का क्या बनेगा? तो हुजूर पलट कर सवाल करते हैं मल मखरजु मिन्हा या जिब्राइल, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुमने ऐ जिब्राइल मेरे सामने रखा है, तो आप ही बताए इससे निकलने का रास्ता क्या। काला किताबुल्लाह, वो पूरी हदीस फिर वही है, किताबुल्लाह फीहि खबरु मा क़ब्लकुम व नबाउ मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। इसका मखरज क्या है, ये है असल में मेरे रा, अगर तो ये बात समझ में आ गई, इसके लिए तसव्वुर समझ लीजिए, हमारे दीन में कफारे का एक तसव्वुर है। आपने रोजा तोड़ दिया, वो तो टूट गया, क्या करूं, जुड़ तो नहीं सकता, कब अशकों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया, मोती हो के शीशा जाम के बुल, जो टूट गया सो टूट गया, तुम नाक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे, वो तो टूट गया लेकिन उसका कफारा दे दिया गया, कफारा है, कसम खाई थी, ये नहीं है कि अब तोड़ नहीं सकते, गलत खा बैठे तोड़ो, कफारा। आज मैं इस लफ्ज कफारा के हवाले से आपके सामने वो बात रख रहा हूं, अब मुझे अल्लाह ने पैदा कर दिया इस दौर में, किसी को हिंदुस्तान में पैदा किया, किसी को इंग्लिस्तान में किया है, किसी को अमेरिका में किया है, किसी को पाकिस्तान में किया है, कुछ को पाकिस्तान पहुंचा दिया है, चाहे जबरदस्ती चाहे अपनी मर्जी से, किसी को यहां पहुंचा दिया है चाहे किसी भी नीयत और किसी भी इरादे से, लेकिन अब है कहीं है, क्या करें, कोई कफारा होना चाहिए, कोई मखरज होना चाहिए, बस यही कफारा है। फिर नोट कर लीजिए, उस माहौल से सिवाय सबसिस्टेंस लेवल के और कुछ हासिल मत करो, और उस सबसिस्टेंस लेवल पर भी जो कुछ तुमने खाया पिया है और सांस ली है, सांस लिया है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसका मैक्सिमम उस जिहाद में सर्व कर दो कि इस निजाम को बदलो। तुम्हारी ये जिद्दोजहद, तुम्हारी ये कोशिश कफारा बन जाएगी। माज़रतन इला रब्बिकुम, माज़रत पेश कर सकोगे अल्लाह के, अल्लाह मैंने उस निजाम के साथ रिकंसाइल नहीं किया, अल्लाह मैंने अपनी तवानाइयों और अपनी मेहनतों से ना अपने लिए कोई जागीर बनाई ना अपने लिए जायदाद बनाई, अल्लाह मैं कोई दौलत छोड़कर नहीं मरा, अल्लाह मैंने अपने बच्चों को भी इसी काम के लिए लगा दिया था, मैंने उनकी दुनिया से बढ़कर उनकी आखिरत की फिक्र नहीं कर सका, आगे कुछ नहीं हो सका, तो मैं बेबस हूं। हजरत नूह भी तो बेबस थे, क्या कर गए, लेकिन अगर किसी भी दर्जे में रिकंसिलिएशन है, कंपेटिबिलिटी है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है,
उसमें फलने फूलने और फैलने का बंदोबस्त कर रहे हैं। यू आर डूम्ड। एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ बिग जीरो एंड विल बिकम अ जीरो। ये है जो मैं समझा। इसका नाम है जिहाद। कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, जान माल, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी,